हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज 11 में लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर को किस तरीके से चेंज करें। इस वीडियो में मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताऊंगा जहां से आप लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर को चेंज कर पाओगे। मेथड नंबर फर्स्ट, चेंज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर यूजिंग विंडोज सेटिंग। तो विंडोज सेटिंग को ओपन करने के लिए हमें प्रेस करना होगा विंडो की प्लस आई। उसके बाद हमें जाना है पर्सनलाइजेशन में, देन राइट साइड से हमें लॉक स्क्रीन का मेन्यू दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा लॉक स्क्रीन के हम सेटिंग पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है पिक्चर। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आप अपने मनचाहे वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। तो अपने मनचाहे वॉलपेपर को यहाँ पे इंपोर्ट कराने के लिए जो चूज एंड फोटोज़ के अंदर ब्राउज फोटोज़ में बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपका वॉलपेपर डला है कंप्यूटर में, वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया ये, और चूज पिक्चर पे क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो जो रीसेंट इमेज में, इसमें आपको दिख जाएगा आपका जो वॉलपेपर आपने चूज़ किया था वो यहाँ पर। अब ये आपके लॉक स्क्रीन पे सेट हो चुका है। इस सेट होने के बाद आपको क्लोज कर देना है, और जब आप अपने विंडोज़ को लॉक करोगे तो आपको वह इमेज दिख जाएगी। मेथड नंबर टू, चेन लॉक स्क्रीन वॉलपेपर यूजिंग फोटोज ऐप। तो आप विंडोज 11 के इनबिल्ट फोटोज ऐप को यूज़ करके भी अपने लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। उसके लिए हमें ओपन करना होगा फोटोज ऐप। तो मैं सर्च का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे टाइप करना है फोटोज, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा फोटोज ऐप। इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर दिए आपके पीसी में जितनी भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पे शो करने लगेगी। अगर और जो इमेज आपको अच्छी लगती है उसको सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है, और उस इमेज पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेट एस, इस पर जाना है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेट एस लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक कर देना है, जिससे ये वॉलपेपर आपके वॉल लॉक स्क्रीन पर सेट हो चुका है। और जब भी आप अपने पीसी को लॉक करोगे तो ये आपको वॉलपेपर आपको की लॉक स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। मेथड नंबर थर्ड, चेंज लॉक स्क्रीन यूजिंग विंडोज स्पॉटलाइट। आपको तो पता ही होगा विंडोज 11 एक नया फीचर ऐड किया है विंडोज स्पॉटलाइट, जिसमें होता क्या है कि जो वॉलपेपर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से ऑटोमेटिकली डाउनलोड होते हैं और आपकी स्क्रीन पे दिखने लगते हैं। तो उसको सेट करने के लिए आपको जाना होगा विंडोज सेटिंग में। तो विंडो सेटिंग के ओपन करने के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ विंडो की प्लस आई, और यहाँ पर जाना है पर्सनलाइजेशन में लॉक स्क्रीन, और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पर्सनलाइज योर लॉक स्क्रीन, इसमें सामने जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे विंडोज़ स्पॉटलाइट पे क्लिक कर देना है, जिससे होगा ये कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से ऑटोमेटिकली जो वॉलपेपर हैं वो डाउनलोड होंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में ये वॉलपेपर मेरे लॉक स्क्रीन पे सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको कोई वॉलपेपर डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, और आपके लॉक स्क्रीन पे अच्छे अच्छे वॉलपेपर आते रहेंगे। अब बहुत सारे यूज़र हैं जो कि नहीं चाहते कि जो विंडोज़ स्पॉटलाइट का फीचर को यूज़ करना, क्योंकि उन्हें कुछ फ़ोटोज़ और वॉलपेपर पसंद आते हैं कुछ नहीं, और वह चाहते हैं कि मैं वो अपने ही वॉलपेपर को वहाँ लॉक स्क्रीन पे दिखाएं और बहुत सारे बल्क में दिखाएं। तो इसके लिए आप स्लाइड शो का यूज़ कर सकते हो। तो स्लाइड शो को सेट करने के लिए आपको जाना होगा विंडो सेटिंग में। तो विंडो सेटिंग में विंडो की प्लस आई दबाता हूँ, पर्सनलाइजेशन में जाना है, और जाना है हमें लॉक स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा पर्सनलाइज योर लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है स्लाइड शो, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद वाइड ओपन यहाँ पे पिक्चर्स का जो फोल्डर होता है, जो कि माई कंप्यूटर में आपको या दिस पीसी में आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर है, ये रहा पिक्चर्स। यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो स्लाइड शो में आपके शो होंगी। तो अगर आप ये चाहते हो कि इस फोल्डर के अलावा दूसरा फोल्डर ऐड करना, तो आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ऐड एन एल्बम फॉर योर स्लाइड शो, तो ब्राउज पे क्लिक कर देना है, और जैसे कि मेरे को ये डाउनलोड फोल्डर है इसको पूरे सिलेक्ट करना है और चूज दिस फोल्डर, जिससे कि होगा ये पूरा फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा, और इस फोल्डर में जितने भी इमेजेस होंगी वो स्लाइड शो में आपके दिखने लगेंगी। तो यहाँ से ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि गेट फन टिप्स और वगैरह, इसको आप लॉक स्क्रीन पर चाहते हो तो इसको टिक कर दो। और सेकंड है एडवांस स्लाइड शो सेटिंग, यहाँ पे क्या है इंक्लूड कैमरा रोल फोल्डर फ्रॉम दिस पीसी एंड वन ड्राइव। तो जो कैमरा रोल फोल्डर है
वो आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हो या नहीं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दिस पीसी में जाता हूँ, पिक्चर में जाता हूँ, यहाँ पे जो कैमरा रोल फोल्डर है इसमें जितनी भी इमेज है अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहते हो तो इस पर टिक कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन है ओनली यूज़ पिक्चर दैट फिट माई स्क्रीन, तो वही पिक्चर आपके जो लोकेशन में देखेंगी जो कि आपकी स्क्रीन पर पूरी फिट होंगी, तो इसके लिए आप ये टिक कर दीजिए। उसके बाद है व्हेन माई पीसी इज़ इनएक्टिव शो द लॉक स्क्रीन, तो ये भी जब आपका पीसी इनएक्टिव होगा तभी आपको ये शो होंगी। तो ये कुछ सेटिंग है जिसको आप कर सकते हो और इससे आप और लॉक स्क्रीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और देख सकते हो लॉक स्क्रीन स्टेटस के आप अपने लॉक स्क्रीन पे कैलेंडर दिखाना चाहते हो या मेल के रिलेटेड स्टेटस दिखाना चाहते हो या वेदर से रिलेटेड, यहाँ पे सभी सेटिंग आप कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर है वो आपकी साइन इन स्क्रीन पे भी रहे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है शो द लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द साइन इन ऑफ स्क्रीन, तो यहाँ पे जो टॉगल है इसको राइट साइड में स्लाइड कर देना है जिससे कि जो लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर थे वो आपकी साइन इन स्क्रीन पे भी आने लगेंगे। तो नीचे और देखोगे तो रिलेटेड सेटिंग भी है, यहाँ से आप स्क्रीन टाइम आउट को भी चेंज कर सकते हो कि आपका जो स्क्रीन है कब टाइम आउट हो, उसका कब टर्न ऑफ हो जाए या कब उसका स्लीप हो जाए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विंडोज़ 11 से रिलेटेड हेल्पफुल ट्यूटोरियल और फिक्सेस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।